अरे जल्दी आ, दौड़ के आना। ललक गाड़ी गट इस गट। अंदर आ, चलो जल्दी करो, गेट खोल। मैं माफ कर दीजिए मैम, आज 26 जनवरी है और हम लोगों ने आपको बुलाया नहीं। अब हम सभी ने ये फैसला किया है कि इस बार की 26 जनवरी आपके घर के सामने ही मनाएंगे। हमारा अंदर का जो भी ज्ञान है वो आप ही ने तो सिखाया था मैम। शिक्षा का असल मतलब, अगर आप नहीं रहेंगी तो हमारे लिए 26 जनवरी का पर्व अधूरा है। अब डरना नहीं है। ये तो बस एक शुरुआत है, अब हमें पता है कि कैसे उठ के दौड़ा जाता है। और मां कहती है कि हक की लड़ाई जिंदगी की असल लड़ाई। ठीक कहा ना मां जी? कहाँ कर रहा है भाई? बड़ी वाली गाड़ी चला रहा है का? अरे गैस पे पाव दबा और भगा गाड़ी को। किसी भी हालत में हमें सैली बिटिया को लेकर एयरपोर्ट पहुंचना ही होगा, समझा? हाँ हाँ भैया, भगाते हैं, ये लो। वैसे हवाई जहाज कितने बजे? अरे रंजन भैया से बात हो गई है, कहे हैं कि समर भैया सयाली बिटिया का नकली पासपोर्ट वीजा और मेडिकल सर्टिफिकेट लेकर सीधा एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे और उससे पहले हमें एयरपोर्ट पहुंचना होगा, समझे कि नहीं? भगाओ गाड़ी को। तारे जहां से अच्छा हिंदू सीधा हमारा, तारे जहां से अच्छा हिंदू सीधा हमारा, तारे जहां से अच्छा हिंदू सीधा हमारा, तारे जहां से अच्छा हिंदू सीधा हमारा। अरे ये कहां हो रहा है ये सब? ये सब चिल्लर यातायात के नियम का पालन करने में लगे हैं। माता के पहले इसे बंद करो, कोई देख ना ले। अबे सुनता का है नहीं है, जिसको नहीं देखना होगा हमारी तरफ वो भी देखने लगेगा। तब तक जाने दे, रैली है 26 जनवरी की, समझा?
चल भाई, बच्चे निकल गए, गाड़ी चला। अरे गाड़ी रोक, देख देख सयाली कहाँ निकल गई। हे भगवान, कहाँ चली गई ये लड़की? रचन भैया मार ही डालेंगे। आज जिस तरह सब लोगों ने हमें सपोर्ट किया, देखकर अच्छा लगा ना मम्मी? टोलनाका से बस मिलेगी, ज्यादा दूर नहीं, बस 15-20 मिनट। पैसे तो है ही नहीं, क्या क्या करूं? एक काम करती हूँ, जल्दी रहोगे तो पहुंचोगे हजरतगंज। जल्दी पहुंच गया एयरपोर्ट, कमरवा तो अभी रास्ते में ही है। भैया जी, वो सयाली बिटिया पता नहीं चला और हमारे हाथ से निकल गई। कदे मजाल है कि एक काम ठीक से पूरा हो जाए। ढूंढो सर, आकाश पाताल एक कर दो, कहीं से भी निकाल के लाओ उसको, वरना तुम सबकी खैर नहीं। ठीक है भैया, सपून पाली है मैंने। थोड़ी दूर और मैं पहुंच जाऊंगी। मेरे पीछे, प्लीज मेरी मदद कीजिए। पागल हो क्या? अगर सुसाइड करने का इतना ही शौक है तो किसी और गाड़ी के सामने जाओ। प्लीज मुझे बाली जी के पास जाना है। वो मेरा पीछा कर रहे हैं।
मैं भी आता हूँ। गुड मॉर्निंग नानी जी। खुश रहो बेटा। लाइए, ये मुझे दे दीजिए। अरे नहीं नहीं बेटा, अभी हम जरा किराने की दुकान पर सामान लेंगे, अब फिर उसके बाद घर जाएंगे। कोई बात नहीं नानी जी, आज वैसे भी हाफ डे और मेरे पास बहुत टाइम है, अब दे दीजिए। अच्छा, लो। आइए। कहता है देव हूँ, लेकिन देवताओं जैसे कोनो काम नहीं है। लोगों को चैन से रहने देने की जगह जानबूझकर लोगों को मुसीबतें देता रहता। मगर उसने कोई गलत काम तो किया नहीं। हाँ, वाणी जी को परेशानी में देख के अगर उनका साथ दिया है तो यह गुनाह तो नहीं है। देखिए, मैं वाणी जी को कोई खिलाफत तो कर नहीं रहा हूँ, लेकिन त्यागी जी को खुलेआम चुनौती देना कहाँ की समझदारी का काम है। लेकिन अगर ये बात त्यागी के कानों तक पहुँच गई कि वो देव नाम का लड़का हमारे यहाँ रह रहा, तो वाणी जी के साथ और देव के साथ साथ हम भी नप जाएंगे। ना भैया ना, मैं अब उस लड़के को अपने घर में नहीं रख सकता। अरे ऐसे कैसे बाहर कर दोगे? कहाँ जाएंगे वो? अरे जहन्नुम में जाए। हमें क्या, हमने कोई ठेका ले रखा है? बाल बच्चे वाले हैं अम्मा जी, अब फालतू खतरा क्यों मोल लेंगे? सोचा था चार पैसे मिलेंगे सो रख लिया, अब ऐसे किराए का क्या फायदा कि अपनी जान के लाले पड़ जाए। अरे त्यागी के मामले में कौन टांग अड़ाए? ना भैया ना, मैं तो ऐसे मामले से 100 कोस दूरी रहूंगा। शर्म करो तिवारी, दो बच्चों के बाप होकर ऐसी बात करते हो? अरे क्या सीखेंगे तुम्हारे बच्चे तुमसे? यही शिक्षा दोगे तुम्हें उन्हें? शिक्षा से ज्यादा जरूरी है सुरक्षा। अम्मा जी, दो बच्चों का बाप हूँ, चिंता होती है कहीं ऊंच नीच हो जाए तो। वाणी जी तो अपना लड़का खो चुकी, क्या हम भी शहीदों की लिस्ट में अपना नाम लिखा दें? अम्मा जी, अगर आपको देव की इतनी चिंता है तो आप काहे नहीं रख लेती उसे अपने घर में? अच्छा भैया, राम राम। नानी मजाक कर रही हैं आप? एक दिन जेलना मुश्किल था इसे, और अगर ये यहां पर रह गया तो मैं तो पागल ही हो जाऊंगी। देवाज से यही रहेंगे। लेकिन नानी। रहने दीजिए नानी जी, अगर मेरे रुकने से पाकी को तकलीफ है तो मेरा जाना ही ठीक रहेगा। हाँ। लेकिन पाकी, तुम्हें नानी से इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए, वो घर में सबसे बड़ी हैं, क्यों पार्टनर? हाँ पार्टनर, बिल्कुल, हम घर के सबसे बड़े हैं और अब हमारा ये फैसला है कि देव कहीं नहीं जाएंगे। अरे आदमी की परख है, हम एक बार कह दिया तो कह दिया, अब से देव यहीं रहेंगे। ठीक है, जब तक इसके रहने का कोई दूसरा इंतजाम नहीं हो जाता तब तक यहाँ रह सकता है। मजा आएगा। आपने रुकने के लिए जगह दे दी, यही बहुत हो गया हमारे लिए। कमरे उमरे की जरूरत नहीं हमें, बस पड़े रहेंगे यहीं कहीं किसी कोने में अपना। अरे ऐसे क्यों रहोगे, जब रहने के लिए जगह है तो ठीक से रहो। वो बरामदे वाला कमरा है ना, उसी में रह लेंगे, बाकी का सामान ही तो पड़ा, थोड़ा सा हटा लेंगे। सामान वामान हटाने की कोई जरूरत नहीं नानी जी, मैं तो कहता हूँ कि इंसान को हर हाल में मजे में ही रहना चाहिए। बैठने की जगह मिल जाए तो लेटने की जगह तो खुद ब खुद ही बन जाती है। कौन सी ट्रेन गुजरनी है इधर से, टेढ़ा मेढ़ा होके पड़े रहेंगे कैसे भी, क्या करना है? अरे जब जगह है रहने की तो टेढ़े मेढ़े होकर के क्यों पड़े रहोगे? बाकी बेटा जा, बरामदे वाले कमरे से अपना सामान हटा। इस चाहे कुरानी ने कब कहने कैसे दिया? अबे देव, सुन रहे हो? नहीं तो
तो शांति से सुनो, जब कोई अकेले में बड़बड़ाए तो समझो कि कोई पेज ढीला है या रिचार्ज खत्म हो गया दिमाग का, जीरो बैलेंस। अपनी मुख की जानकारी अपने पास रखो तुम, बहुत चालाक समझते हो ना खुद को। तुम्हारी सारी होशियारी ना निकाली ना मैंने तो देखना। आप दिखाए और हम ना देखे, ऐसा हो सकता है? बस देखने का नजरिया सही होना चाहिए, फिर हम देखेंगे भी और कुछ कहेंगे भी नहीं। फिर क्या पता एक दिन हम बहुत अच्छे दोस्त बन जाएं। फिर क्या पता तुम इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बन जाओ। वाह वाह। एक बात याद रखना, गिनती के बस कुछ ही दिन बचे हैं तुम्हारे पास। गिनती तो आती ही नहीं है ना हमें, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, नानी जी ने खुद ही हमको रुकने को कहा है। तुम सिर्फ चिल्ला सकती हो, बिगाड़ कुछ नहीं सकती। कोई डेट बस ली? अरे क्या हुआ? वो क्या है ना, कभी कभार तुम्हारे जैसी बंद घड़ी भी सही वक्त दिखा देती है। क्या बोल के गई? बाकी मैं स्कूल जा रही हूं। हाँ और देखो ज्यादा परेशान मत होना, अब अम्मा ने उसे बोल दिया है तो क्या करोगी? रहने दो, वैसे भी ज्यादा दिन रुकने वाला नहीं है वो यहाँ। आखी क्या है ये, किसके लिए लेटर टाइप कर रही हो? मम्मी हमने जो मीडिया में नंबर दिया था उसका तो कोई रिजल्ट नहीं आया, लेकिन हमें हिम्मत नहीं छोड़नी चाहिए, क्या पता कहीं से कोई मदद मिल जाए। इसीलिए और भी लोगों से इस केस पे ध्यान देने के लिए मदद मांग रही हूँ, बस उसी के लिए लेटर टाइप कर रही थी। हाँ बेटा, लेकिन भेजोगे किसे? जो भी हायर अथॉरिटी में, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, पुलिस कमिश्नर, कहीं से तो कोई जवाब मिलेगा ना मम्मी। मैं सही कर रही ना मम्मी? हाँ बेटा तुम सही हो। आवाज कैसी है? कहाँ हूं मैं? लगता है पापा ने फिर से, नहीं ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।